आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें लगातार में रुक करेंगे कुछ खास खबरों का। पहली खबर असम से। शहर के चौकी डिंगी अंचल स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय के पास बाल उद्यान में आज पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग करते हुए अखिल असम सरकारी एनपीएस कर्मचारी संस्था के सैकड़ों सदस्य धरने पर बैठे, जिससे सरकारी कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। प्रतिवादकारियों ने नई पेंशन नीति को वापस लेने और पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राशन कार्ड और अन्य कई चीजों में एक देश एक नीति का सिद्धांत लेने की बात कह रही है, फिर पेंशन के मामले में दोहरी नीति क्यों अपना रही है। सरकार कम से कम उन्हें अच्छा बुढ़ापा तो दे ही सकती है। आज पेंशन के नाम पर 51 रुपए से 1200 तक मिल रहे हैं। इसमें आदमी गैस सिलेंडर लेगा या परिवार का पालन पोषण करेगा। इसलिए सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार पुरानी पेंशन नीति बहाल करे। मालूम हो कि यदि सरकार पुरानी पेंशन नीति जल्द बहाल नहीं करती तो अखिल असम सरकारी एनपीएस कर्मचारी संस्था का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और इसी तरीके से वो धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। चलिए अब जानते हैं शिक्षा गुरु का इस पूरी नीति को बहाल करने के अनुरोध को लेकर क्या कुछ कहना है। जो भारत सरकार ने एनपीएस को 2004 और 2005 सन से लागू किया है उसको हम बातिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कर्मचारी है कॉलेज शिक्षक है, जो कर्मचारी है उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं करता। इसलिए हम इसको प्रतिवाद करते हैं और सब सरकार को अनुरोध करते हैं उन्नति पलम में ये जो आइन लागू किया है एनपीएस उसको बातिल करके हमको आर्थिक जो सच्चलता वो प्रदान करना चाहिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें भाजपा ने साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि अब विधायिका से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और आदमपुर से उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने सोनाली फोगाट को महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। उन्होंने सोमवार रात ही अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने कल रात को ही अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर भी बदली थी। जानकारी के मुताबिक सोनाली अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ गोवा गई थी। सोनाली ने कई फेमस टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। वह रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें संस्करण में प्रतिभागी भी रही थी, लेकिन दुखद बात यह है कि गोवा में अचानक उनकी मौत हो गई, जिसका कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा कि वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के संबंधों में बदलाव लाना चाहते हैं। ऋषि सुनक सोमवार को उत्तरी लंदन में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते, सलाम, केमछो जैसे अभिवादनों के साथ भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान ऋषि सुनक ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों को टू वे बनाना चाहते हैं, ताकि यूके छात्र और कंपनियां आसानी से भारत पहुंच सके। उन्होंने हिंदी में बोलते हुए कहा, आप सब मेरे परिवार हो, हम सब जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन के संबंध काफी अहम है, हम दो देशों के बीच जीवित सेतु की तरह काम करते हैं। मैं इस रिश्ते में बदलाव लाना चाहता हूं, जिससे हमारी कंपनियां और भारतीय कंपनियों के लिए एक साथ काम करना आसान हो, क्योंकि यह सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा संबंध है। यूपी के नोएडा सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि गालिबाज त्यागी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। सोमवार को श्रीकांत त्यागी की पेशी सूरजपुर कोर्ट में हुई थी। पेशी के दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। बता दें कि इससे पहले 9 अगस्त को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। श्रीकांत त्यागी की बीते दिनों जमानत अर्जी भी खारिज हो गई थी।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक श्रीकांत त्यागी मामले में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल यानी सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल 26 तारीख को श्रीकांत की बेल पर सुनवाई होनी है। पुलिस की माने तो 34 साल के श्रीकांत त्यागी को बीते दिनों नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। श्रीकांत त्यागी नोएडा स्थित सोसाइटी में एक महिला के साथ 5 अगस्त को मारपीट करने और उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में हैं। आरोपी को घटना के 4 दिन बाद 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यूपी में सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने मशहूर डांस सपना चौधरी के खिलाफ एक डांस कार्यक्रम रद्द करने और टिकट धारकों को पैसा नहीं लौटाने के मामले में सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दरअसल सपना चौधरी को सुनवाई के लिए सोमवार को हाजिर होना था, लेकिन चौधरी अदालत में हाजिर नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से कोई अर्जी दी गई। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने सुनवाई की अगली तारीख 30 दिसंबर तय की है। नवंबर 2021 में भी इसी अदालत द्वारा मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद सपना चौधरी ने अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली थी। उप निरीक्षक फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को शहर के आशियाना थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। सूत्रों के मुताबिक सपना चौधरी ने 2018 में भी एक इवेंट में परफॉर्म नहीं किया था, जिसके लिए उन्हें आयोजकों ने एडवांस में पैसे दिए थे। आयोजकों ने मामले को अदालत में घसीटा और अब डांसर सपना को जल्द ही लखनऊ की एसीजेएम अदालत में पेश किया जाएगा। घटना 13 अक्टूबर 2018 की है, जब उन्होंने ये वाकया दोहराया था। हम सभी वाकिफ हैं कि नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर देश में कैसे हालात पैदा हुए थे। देश में भगदड़ का माहौल था, क्राइसिस बने हुए थे, लेकिन एक बार फिर बीजेपी के एक नेता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर तेलंगाना में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। पैगंबर के बारे में बात करते हुए एक वीडियो जारी करने के बाद हैदराबाद में सोमवार रात विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विरोध प्रदर्शन शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के कार्यालय और शहर के अन्य हिस्सों के सामने हुआ था। दरअसल हाल ही में टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर विवादित टिप्पणी की थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि सिंह ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया और उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। दरअसल टी राजा ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी। सोमवार देर रात श्री राम चैनल तेलंगाना के माध्यम से शेयर किए गए लगभग 10.5 मिनट के वीडियो में फारूकी की आका का इतिहास सुनिए। गोशा महल के विधायक राजा सिंह को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके कॉमेडी शो पर बोलते हुए देखा जा सकता था। नाम लिए बिना पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहराते हैं। इसके बाद उनका वीडियो वायरल हो जाता है और इनकी गिरफ्तारी की मांग होनी शुरू हो जाती है। मालूम हो कि सोमवार की रात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मलकपेट विधायक अहमद बलाला अपने समर्थकों के साथ दबीरपुरा थाने पहुंचे और सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सोमवार की रात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट विधायक अहमद बलाला जब अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, थाने पहुंचे और सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और उसी के बाद टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के लिए खबरें लगातार में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।